आज हम एसडीएम महोदय से मिले, ये ग्राम पंचायत राड़ी का जो मुचका गांव है, जहां पे वर्ष 2014 से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। एनएचपीसी के सरसाफ्ट के दूसरी छोर पे बसा ये मुचका गांव लगातार ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। जमीन जो है वहां बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और मकान भी गिरने के कगार पर है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें बहुत पहले से आई हुई हैं और अब बढ़ती जा रही हैं। इस संदर्भ में लगातार ग्रामीण वर्ष 2014 से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनका पुनर्वास किया जाए, यहाँ से इनको हटा के कहीं बसाया जाए, लेकिन आश्वासनों के अलावा आज तक कोई भी कार्रवाई मौके पर मौजूद नहीं हुई। आज हमने एसडीएम महोदय से निवेदन किया है कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए और इनका मुचका के जो लोग हैं, जो डर के साए में जी रहे हैं, जिनके मकान गिरने के कगार पर हैं, उनको वहां से हटाकर कहीं बसाया जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। सर, कितने वर्ष पुरानी ये समस्या है, अब तक प्रशासन को क्या दी गई है इसके बारे में? ये वर्ष 2014 में ये पानी निकलना शुरू हुआ था सरसाफ्ट के दूसरी तरफ चमेरा थ्री के, और उसके बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पे गए, तत्कालीन एसडीएम महोदय भी गए, एनएचपीसी के लोग भी गए, फिर इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया से उसका सर्वेक्षण भी करवाया। कागजी कार्यवाही चलती रही, लेकिन हकीकत पे आज तक इन लोगों को वहाँ से कहीं दूसरी जगह बसाया नहीं गया है। और अब तो इतना मुश्किल है कि घरों में इतनी दरारें बढ़ गई हैं कि कभी भी मकान गिर सकते हैं। यदि जल्द ही समस्या का समाधान ना हो तो आगामी रुख क्या रहेगा? आगामी रुख तो फिर आंदोलन ही एकमात्र सहारा है, लेकिन हमें भरोसा है एसडीएम महोदय बहुत अच्छे इंसान हैं, हर आदमी की मदद करने वाले हैं, और मुझे भरोसा है कि एसडीएम महोदय ये नौबत आने नहीं देंगे। हमने एसडीएम महोदय चंबा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन यह है कि हम लोग राड़ी पंचायत के मुचका गाँव के निवासी हैं और चमेरा चरण तीन के प्रभावित हैं, और आज तक हमारा जो है वो कोई भी समाधान जो है वो प्रशासन ने नहीं किया है, खाली कार्रवाई अमल में नहीं लाई है, जिसमें कि ज्वालिस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है। एक वर्ष पूरा होने के उपरांत भी प्रशासन ने और एनएचपीसी ने हमारा कोई समाधान नहीं किया है, और हम लोग खतरे के साए में हैं। पूरा गांव जो है वो गिरने की कगार पर है, मकान जो है। सर, कितने लोग रहते हैं गाँव में? गाँव में 35 से 40 लोग रहते हैं। कितने मकानों को खतरा है? सभी मकानों को खतरा है, दरारें हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है।